केंद्रीय ट्रेड यूनियंस की विभिन्न मांगों को लेकर आज से दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हो गई है। शिमला में सीटू व विभिन्न संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की रैली पंचायत भवन से शुरू हुई, जो उपायुक्त कार्यालय तक चली। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में आज और कल करोड़ों लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यूनियन की मांग है कि श्रम कानूनों को खत्म करके चार श्रम कोड को लागू किया गया है। ये श्रमिकों के साथ अन्याय है। सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है, वहीं लाखों कर्मियों को NPS में धकेला जा रहा है। लाखों कर्मियों को OPS में लाया जाना चाहिए। सरकार आउटसोर्स पर भर्ती कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। दो दिन की हड़ताल है आज और कल, और उम्मीद की जा रही है कि 25 करोड़ लोग आज और 25 करोड़ से ज़्यादा लोग कल जो है हड़ताल में जुड़ेंगे। मुख्य मुद्दे ये है कि जिस तरीके से श्रम कानूनों को ख़त्म करके 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके चार लेबर कोड बनाए गए, ये लेबर कोड जो है उद्योगपतियों के हक में है, ये मजदूरों के खिलाफ है। इन लेबर कोडों के बनने के बाद 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे में तब्दील हो जाएगी, मजदूर हड़ताल करने से वंचित हो जाएंगे, उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो पक्के किस्म का रोज़गार है वो कच्चे किस्म के रोज़गार में तब्दील हो जाएगा, फिक्स टर्म का एक रोज़गार आ जाएगा। और जो श्रम कार्यालयों से लेकर जितने भी संस्थाएं हैं जो मजदूरों की सुरक्षा करती हैं, वो सारी की सारी जो है हाशिए पर चली जाएंगी। तो एक मुद्दा तो चार लेबर कोडों को लेकर है, दूसरा जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो विनिवेश किया जा रहा है, बैंक हैं, बीमा है, BSNL है, पोस्टल विभाग है, केंद्रीय कर्मचारियों के दायरे के अंदर जो दूसरे विभाग है, उन सारे विभागों के अंदर भी आज हड़ताल है, क्योंकि आज पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने की साजिश चल रही है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए भी बेचा जा रहा है, दूसरे तरीकों से भी बेचा जा रहा है। और तीसरी बात हम कहना चाहते हैं, वर्ष 2003 के बाद जो कर्मचारी नौकरियों में आए, सरकारी नौकरी में आए, जो आज उनको नई पेंशन स्कीम में धकेल दिया गया है, पिछले दिनों आपने देखा हज़ारों कर्मचारी जो सड़कों पर थे शिमला में भी, तो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, जो आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं उनका भारी शोषण किया जा रहा है, उनको नीति बनाने का सवाल, और इसके साथ साथ जो छठा वेतन आयोग जो हिमाचल के अंदर आया, उसमें जो विसंगतियाँ हैं पंजाब के मुकाबले में, उसमें काफ़ी सारी दिक्कत जो है यहाँ के कर्मचारियों को है, उस विसंगतियों को दूर करने का सवाल है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ काम करती हैं, स्कीम वर्कर के रूप में, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर और आंगनवाड़ी ने कोरोना वॉरियर के रूप में काम किया, लेकिन आज भी उनकी कोई जो है नियमितीकरण का सवाल जो है वो नहीं आता है। आज भी उनको रेगुलर नहीं किया जाता है, उनको पक्का नहीं किया जाता। इसकी घोषणा जो है केंद्र सरकार 2013 में कर चुकी है, लेकिन आज 10 साल बीतने के बावजूद भी उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। इसी तरीके से जो इंडस्ट्री फैक्ट्री के मजदूर हैं या पूरे जो मजदूर हैं उनके लिए 21,000 रुपये वेतन का सवाल है। इन सारे सवालों को लेकर जो है आज हड़ताल हो रही है हिमाचल के अंदर भी, जगह जगह ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर, जिला मुख्यालयों पर, राज्य की राजधानी में भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग संख्या है मजदूरों कर्मचारियों की, वो जो है कहीं सैकड़ों में है, कहीं हज़ारों में है। जो औद्योगिक क्षेत्र है बद्दी रोटी वाला, नालागढ़ का, कांगड़ा का, ऊना का, सिरमौर का, वहाँ पर हड़ताल चल रही है, और लगभग 2 लाख से ज़्यादा मजदूर और कर्मचारी जो है आज हड़ताल पर रहेंगे। ये हड़ताल है, कल भी ये हड़ताल जो पूरे प्रदेश में चलेगी, तो उसकी तैयारी भी चल रही है। आज की हड़ताल के बाद जो है एक और अच्छे तरीके से जो है उसको, इस हड़ताल को और ज़्यादा बड़ा जो है कल के अंदर हम ले जाएंगे, और जो पूरे कर्मचारी और मजदूर हैं उनसे अपील करेंगे कि कल की हड़ताल में वो शामिल हों। मेरा नाम पुरुषोत्तम चौहान है और मैं महामंत्री हूँ कौशल यूनियन का, यहाँ शिमला का। ये हमारा आज 2 दिन का स्ट्राइक का कार्यक्रम है, और ये जो स्ट्राइक है इसमें हमारे मुख्य मुद्दे 12 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें हमारे NPS को लेकर एक बड़ा मुद्दा है कि NPS को जो है बंद किया जाए और ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू किया जाए। और इसके पीछे हमारी जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि जब हम 60 साल के बाद रिटायर होकर घर जाएंगे, तो उस वक्त जो हमारे को एक आत्मसम्मान से जीने का जो हक था वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो छीना जा रहा है। अगर आप ये बात करोगे कि आपको NPS तो है, फिर आपका आत्मसम्मान कैसे छीना जा रहा है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि NPS जो है और नो पेंशन सिस्टम, उसमें लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। जो हमारी दूसरी मांग है वो
जीडीएस को लेकर है, जो जिनको रेगुलर जो है पूरे 65 साल तक नहीं होते वो जो है रेगुलर किए जाए। इसके अलावा हमारा निजीकरण को लेकर है, डीए के इश्यूज को लेकर है, खाली पदों को भरने को लेकर है, और हमारी अपार से संबंधित कुछ समस्याएं हैं उसके लेकर है, और जो आज का जो वाइटल मुद्दा है वो हमारा एनपीएस को लेकर है। एनपीएस को बंद किया जाए और ओपीएस शुरू किया जाए। हमारा जो ये विरोध का जो हमारा सिलसिला है वो 2003 से शुरू है, जब पीएफआरडीए जो बिल है भारत सरकार ने पार्लियामेंट में लाया था, तब से हम इसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक जो है इस ओल्ड पेंशन सिस्टम को रिस्टोर नहीं किया जाता।